आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को दाखिला देने से दिल्ली के ज्यादातर स्कूल बच रहे हैं। TWS कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को 25% कमजोर वर्ग के छात्रों को एडमिशन लेना है, लेकिन स्कूल इस कोटे को मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे इनकी आमदनी पर फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई की फीस सरकार दे रही है। आमदनी की कमी के बहाने पर सरकार सख्त है। साफ कहा है कि इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट्स हो, ऐसी कह देना कई जगह से आ रही है कंप्लेंट्स हो, तो वो मंत्री महोदय के पास चले जाए, सेक्रेटरी के पास चले जाए, मेरे पास आ जाए कि हाँ हमें रिफ्यूज किया गया, तो हम उस पर एक्शन ले सके। TWS कोटे के दाखिले में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि इसके फॉर्म को अच्छी तरह जांचा परखा जाए। जो स्कूल इन निर्देशों को नहीं मानेगा उनके खिलाफ सरकार सख्ती का मन बना रही है। जिसको दिल्ली में स्कूल चलाना है उसको कानून का पालन करना होगा, जिसको नहीं चलाना वो नहीं पालन करेगा और जरूरत पड़ेगी तो हम स्कूल टेक ओवर कर लेंगे। कानून के मामले में कोई रियायत नहीं। अगर दिल्ली में स्कूल चलाना है तो TWS का एडमिशन देना पड़ेगा। इस बयानबाजी के बीच में नर्सरी एडमिशन का समय तेजी से बीत रहा है। अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं और सरकार स्कूल सिर्फ दावों और वायदों का खेल खेल रहे हैं। पहले आप स्कूल चले हैं और फिर शिक्षा का अधिकार, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे बढ़िया स्कूलों की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ना बड़े स्कूल मनमानी छोड़ने को तैयार है और ना ही स्कूलों पर लगाम कसने का कोई ठोस तरीका सरकार तलाश पा रही है। कैमरा मैन डीके शर्मा के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली, आज तक। शुरुआत में नर्सरी के दाखिले अभिभावकों के लिए ताकत बने हुए हैं। अब कई स्कूलों में दाखिलों की लिस्ट आ के बाद ही साफ मिली है कि दाखिले किन पॉइंट के आधार पर दिए गए। नर्सरी दाखिले की मुसीबत कब खत्म होगी, ये सवाल पेरेंट्स को सता रहा था। अब दाखिले की लिस्ट आ जाने के बाद ये सवाल नए सिरे से सामने आ गया है। जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है उनके अभिभावकों को ये तक नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल कई स्कूलों ने दाखिले की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ना ही उसमें पॉइंट का कोई जिक्र है और ना ही कोई ब्रेकअप। पेरेंट्स अब अपने आप को डिप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तो डिप्रेस भी करते हैं अपने आप को हेल्पलेस भी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद जो उन्होंने जहरवेल किया उसके बावजूद भी बड़े बड़े स्कूल दिल्ली बसा रोड ब्लू बेल्स वगैरह तो अपने पॉइंट डिस्प्ले नहीं किए। हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही है कि हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज को चाहते हैं, इसके 30 पॉइंट बनते हैं लेकिन 40 डिस्प्ले किए गए, ब्रेकअप क्यों मिलते अगर स्कूल क्लास है तो ब्रेकअप दे। अपने बच्चों के लिए दाखिलों की कवायद में जुटे अभिभावकों का हाल वाकई में इस तस्वीर जैसा हो गया है। नर्सरी में दाखिला लेने की भागदौड़, लेकिन लिस्ट में बच्चे का नाम ना आने से होने वाली इनकी निराशा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। नर्सरी दाखिलों से शुरू से ही परेशान पेरेंट्स को अब स्कूल अंधेरे में रखने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पॉइंट ना देने की वजह जब हमने कुछ स्कूल से जाने की कोशिश की तो हर बार की तरह इस बार भी हमें कैमरा पर ना आ पाने की वजह देकर भेज दिया गया। मतलब साफ है, प्रोस्पेक्टस बेचने से लेकर रिजल्ट डिस्प्ले करने तक स्कूल की मनमानी चली और सुनवाई के नाम पर पेरेंट्स ने सिर्फ धक्के खाए। पलक शर्मा, दिल्ली, आज तक।